दोस्तों, जो मेरी आज की रेसिपी है वो आपको देख के पता चल गया होगा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो रेसिपी वो है गाजर का हलवा, यानी गाजर का गजरेला। तो ये मैंने गाजर जो है ग्राइंड की हुई है, क्रश की हुई है, और इसको मैंने घी में अभी स्टार्ट ही किया है। सॉरी, मैं पहले वीडियो थोड़ा सा बनाने को लेट हो गई। तो ये मैंने गाजर में थोड़ा सा देसी घी डाला हुआ, और इसको मैं भारी कढ़ाई ली हुई है, इसमें मैं इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। तो ऐसे फिर हम फ्राई करेंगे। ये मेरी 1 किलो गाजर है, और इसके अंदर मैं डालूँगी ये कम से कम 1 लीटर दूध है, ठीक है। तो इसको भी मैं साथ साथ में बॉईल करूँगी दूध को। जब ये थोड़ा रह जाएगा ना, 1/2 किलो के बराबर, तो फिर मैं इसको गजरेले के अंदर डाल दूँगी, हलवे के अंदर। तो ये रहा मेरा दूध गैस के ऊपर, ये मैंने ऑन कर दिया, और अभी हम दोनों को साथ साथ में देखते रहेंगे, दूध को भी और गाजर गजरेले को भी। ये जब तक गाजर हमारी पकनी ना जाती, इसको हम ऐसे थोड़ा सा टच करके, जब मैश करके देख लेंगे, जब ये अच्छी तरह से होने जा हो जाएगी तभी हम इसको बंद करेंगे। इसके अंदर दोस्तों एक बहुत अच्छी सी स्मेल आने लग जाती है, बहुत मीठी और प्यारी स्मेल होती है, जिसे हम पता भी लग जाता है कि हलवा जो हमारा बन के तैयार है, ठीक है। अभी मुझे स्मेल आनी स्टार्ट होती हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। और आप जानते हो सर्दियों की नई नई लाल लाल गाजर है, तो बहुत अच्छा हलवा बन के तैयार होगा इसका। और इसके लिए मैं लूँगी थोड़े से बादाम। दोस्तों, ये मैंने कुछ बादाम और सौगी ली हुई है, जो मैं हम इस हलवे में डालेंगे। तो इसको हम साथ साथ में थोड़ा गर्द के नाइफ के साथ कर लेते हैं, छोटा कर लेंगे, काट लेंगे, मतलब काट लेंगे। और ये मैं साथ साथ में इसको काटने लगी हूँ। वैसे तो इसमें आप चाहो तो काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी डाल सकते हो अपने टेस्ट के अनुसार। कोई भी ड्राई फ्रूट हम डाल सकते हैं, लेकिन क्या है कि मेरे हस्बैंड को ये बादाम और सौगी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यही डाल रही हूँ। मैं ऐसे कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो मैं आपको भी साथ साथ में शेयर कर दिया करूँगी। अभी दिवाली पे मैंने बेसन बनाया था घर में देसी घी में, एंड मट्ठी बनाई थी, मटरी बनाई थी, बहुत कुछ बनाया था, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं था तभी एक वीडियो बना पाती। लेकिन मैं सर्दियों में कुछ ना कुछ बनाती रहूँगी, तो आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करती रहूँगी। आप सब मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। ये हम बादाम को साथ साथ में कर रहे हैं, ड्राई कटिंग कर रहे हैं। जब सारे बादाम की कटिंग हो जाए, इधर मैं साथ साथ में ये भी देख रही हूँ गजरेला एंड दूध। डालने को तो हम साबित भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन क्या है कि ऐसे अच्छा लगता है, इसलिए मैं काट के डाल रही हूँ।
ऐसे दिखने में भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है गजरेला, वाइट वाइट सा बीच में काजू बादाम नजर आए तो। हो सकता है दोस्तों कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन क्या है कि मैं कट नहीं कर रही हूँ, मैं जो जो भी है आपको साथ साथ में दिखा रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। जो लोग कट करते करके बनाते हैं तो वो फिर आधा आपको समझ नहीं आती है ना, आधा भाग रह ही जाता है कि क्या हुआ क्या किया, इसमें आपको ज़्यादा नज़र आएगा, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। ये बादाम मैंने ऑलमोस्ट सारे कटिंग कर लिए हुए हैं, चलो दोस्तों ये हमारा बादाम और सोगी कट करके तैयार हो गया है। तो ये रहा हलवा, अभी स्टेज में पहुंच गया है, तो ज़्यादा स्मेल देने लग गया है। पहले तो ये गाजर जैसे फूली फूली सी होती है, लेकिन कुछ देर बाद ये ऐसे बैठ सी जाती है, बल्कि जो हमारे ज़्यादा ज़्यादा लगता है वो कम कम हो जाता है बनने के बाद। तो पूरा बन जाएगा ये और भी कम लगेगा, धीरे धीरे इसकी फ्लावर कम होती जाती है, गाजर की नमी भी कम होती जाएगी इसके अंदर में से, और इसकी फ्लावर भी कम होती जाएगी। ये दूध हमारा साथ साथ में बॉईल हो रहा है, अभी अभी फ्रिज में निकाला है, एकदम ठंडा, इसलिए इतना टाइम लग रहा है इसको, लेकिन ये जल्दी हो जाता है इससे। तो इसको बस ऐसे साथ साथ में चलाते रहिए, हिलाते रहिए, बस ये नीचे ना लग पाए, वैसे कोई बात नहीं है। दोस्तों ये हमारा दूध जो उबलना शुरू हो गया है, अब ये थोड़ा कम इसको स्लो कर देते हैं, गैस मैंने स्लो पे रख दिया है, तो थोड़ी देर बाद ये जब थोड़ा कम हो जाएगा फिर हम इसको इसके अंदर डालेंगे। वैसे तो दोस्तों ये गाजर है लाल कलर की, रेड कलर की, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है बाहर, ये देखिए बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है, इसी कारण जी आपको लाइट के कारण थोड़ी येलो येलो सी नज़र आ रही है, लेकिन है जे बिल्कुल रेड कलर की। ठीक है दोस्तों, मैं अभी इसको थोड़ा ढक कर पकाऊंगी, थोड़ा टाइम ले रहा है ये, तो अभी मैंने इसको ढक्कन से ढक दिया है, तो वैसे क्या है कि गाजर थोड़ी जल्दी हो जाएगी, वैसे इसको थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। ऑलमोस्ट 1 किलो गाजर थी हमारी, दूध भी कड़ रहा है साथ साथ में। दोस्तों इसमें चीनी है जो अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो, तो मैंने ये ऑलमोस्ट 1 कोली शुगर का लिया हुआ है जो हम हलवे में डालेंगे, तो हम मीठा थोड़ा कम ही खाते हैं इसलिए मैंने कम चीनी ली हुई है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दूँगी, गुड़ की शक्कर, तो हमारे ज़्यादातर वही यूज़ होती है घर पे। ये देखो हलवा अभी भी पक रहा है यार, पक रहा है अभी भी, दे पहले से और भी फ्लावट इसकी कम हो गई है, थोड़ा कम कम लग रहा होगा अब आपको।
अभी हम इसको थोड़ा चेक करेंगे कि ये बना कि नहीं बना। थोड़ा सा हम इसको ऐसे लेंगे तो ऐसे मैश करके देख लेंगे, हो सके तो आप खा के भी देख सकते हो। थोड़ी सी अभी कसर है दोस्तों, थोड़ा सा और भून जाए। फिर हम इसको दूध डाल के पकाएंगे। बस 2-3 मिनट और हो जाए, उसके बाद इसमें दूध डालेंगे। दोस्तों ये हमारा दूध भी कर चुका है और ये हलवा, अब हम इसमें डालेंगे दूध। हलवा भी हो चुका है, मैंने चेक किया अभी 2-3 मिनट हो गए, तो अभी ये हो चुका है। 2 मिनट मुझे ना फ़ोन थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा, ये मुझे पतीला उठा के इसमें दूध डालना है, तो मेरे पास फ़ोन पकड़ने वाला कोई है नहीं, कभी तो समझ नहीं आता कि इसको हैंग कैसे करूं। ये रहा दूध, ये मैंने हलवे में दूध डाल दिया है, अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और इसको हम पकाएंगे। जब तक ये दूध पूरा सूख नहीं ना जाता अच्छी तरह से, तब तक हम इसको दूध के अंदर पकाएंगे। दूध से क्या है दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो अगर बिना मावा के हमने बिना खोए के बनाना है तो फिर हम ऐसे दूध का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। जैसे 1 लीटर दूध लिया था, 1 लीटर गाजर थी, तो जब आधा लीटर रह गया तब हमने उसमें डाल दिया दूध। तो ये रहा अभी हमारा ये बनेगा। अब हम इसको दोस्तों अगर चाहे तो थोड़ी सी क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे क्या है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आएगा। अब हमको इसको अच्छे से रिझने देंगे, जब अच्छे से हो जाएगा तो फिर हम इसको अंदर बादाम पिस्ता चीनी डाल देंगे। अभी टाइम लगेगा इसको थोड़ा सूखने में। दोस्तों ये हमारा दूध थोड़ा सा सूख चुका है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। ये थोड़ी सी शक्कर, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जैसे दोस्तों हम ज़्यादा शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, चीनी मैंने थोड़ी सी डाली है, ये फिर से मैं शक्कर और डाल दूँगी इसमें। ये अभी पक रहा है, इसको अभी सूखने में थोड़ा और टाइम लगेगा। हाँ जी दोस्तों, साड़ा हलवा जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, देखो दूध जो है सूख गया है, तो हुण असीं इस दे विच अपना ड्राई फ्रूट जो गार्लिश किया हुआ वो कर सकते हैं, विच पा सकते हैं। दोस्तों अजय मैं ये थोड़ा ही ड्राई फ्रूट पावगी, बिकॉज जो मैं सर्व करना फिर मैं वो उपरे इस सारे पा देवगी, तो अगर मतलब तुम्हें ये हूँ बन चुके खोया भी पाना चाहते हो, मेवा पाना चाहते हो, तो फिर आप पा सकते हो।
ठीक है, तो ये हमारा हलवा तैयार हो चुका है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, तो इससे ही हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे। ये बन गया हमारा गाजर का गजरेला। ठीक है, बस अभी इसको 2-4 मिनट और लगेंगे, ये हो जाएगा, बस होने वाला है। ये सारा ड्राई फ्रूट हम इसके अंदर डाल देंगे, ऊपर से हम डाल देंगे मावा। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।